नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजिली में। आज के वीडियो में मैं अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इनकी अलग अलग वैल्यूज डाल के इनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। प्रूव दैट रूट 3 इज एलजेब्राइक ओवर क्यू। हमें ये बताना है कि रूट 3 जो है वो एलजेब्राइक ओवर क्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। हमारे पास में कोई भी जो नंबर है वो एलजेब्राइक कब होता है, जब वो रिलेटेड फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। नाउ कंसिडर क्यू द सेट ऑफ रैशनल्स रूट 3 जो है टू प्रूव रूट 3 इज एलजेब्राइक ओवर क्यू। यहां पर देखिए देयर एग्जिस्ट एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू एक्स को। यहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये कोएफिशिएंट क्या है 3। 1 और माइनस 3 जो है वो क्यू को बिलोंग कर गए। तो हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यू एक्स को बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स जो है वो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। यहां पर क्या है देखिए, f ऑफ रूट 3 क्या आ रहा है, 1 इंटू रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। देयर फोर रूट 3 सेटिस्फाइज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विच बिलोंग्स टू क्यू एक्स। तो इसलिए हमारे पास में यहां पर रूट 3 क्या आ गया, एलजेब्राइक ओवर क्यू। देयरफोर रूट 3 इज एलजेब्राइक ओवर क्यू द सेट ऑफ रैशनल्स। यहां पर देखिए मैंने आपको रूट 3 के लिए एक्सप्लेन करा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में रूट 2, रूट 5, रूट 7, ये बहुत अलग अलग जो रैशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल भी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। किस तरह से अगर हमारे पास में रूट 2 के लिए पूछा जाए तो आपके पास में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। रूट 5 के लिए पूछा जाए तो आपके पास में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये सब किस में बिलोंग कर जाएंगे, ये सब बिलोंग कर जाएंगे क्यू एक्स के अंदर। रूट 7 के लिए पूछा जाए तो आपके पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7। रूट 11 के लिए पूछा जाए तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11। ये सब के सब पॉलिनोमियल्स किस में बिलोंग कर जाएंगे, क्यू एक्स में। और ये सभी के सभी कैसे पॉलिनोमियल्स हैं, नॉन जीरो। यहां पर क्यू एक्स के अंदर नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्हें ये इरेशनल नंबर्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए ये जितने भी नंबर्स हैं रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, ये सब के सब एलजेब्राइक ओवर क्यू है। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 एंड सो ऑन आर एलजेब्राइक ओवर क्यू। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, एलजेब्राइक ओवर क्यू। अब ये पॉलिनोमियल कैसे आया आप अगर ये भी चेक करना चाहते हैं तो आप लेट एक्स इज इक्वल टू रूट 2 ले लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपके पास में पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से आपने अगर ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जो रूट 5 को सेटिस्फाई कर रहा है तो x इज इक्वल टू रूट 5 ले लीजिए। रूट 7 का लेना है तो x इज इक्वल टू रूट 7 ले लीजिए। x
अंडर रूट 11 का लेना है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 लेकर आप वो जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और इन तरह के प्रॉब्लम्स में आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इनमें मिस्टेक्स होने के चांसेस, कुछ भी आपको पहले से याद रखने के चांसेस जो हैं वो उनकी जरूरत नहीं होती है। आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूं, जहां पर हम ये इरेशनल्स ही कंसिडर करने वाले हैं, जैसे रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, इन दोनों का सम जो है क्या वो एल्जेब्रिक ओवर क्यू है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आने वाले अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वाला सेक्शन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके बाद में जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी सेक्शन के अंदर वो होगा स्प्लिटिंग फील्ड्स, और फिर उसके बाद में इसका जो नया टॉपिक आएगा वो है रूलर एंड कंपस प्रॉब्लम्स, जहां पर हम ये देखेंगे कि हम रूलर यानी कि स्केल और कंपस को यूज करे बिना क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उनकी जरूरत हमको होगी। ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अब तक जो हमने रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।